हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने यही पेंट किया था कि अब हम लोग जा रहे हैं चार धाम की यात्रा पर। तो इस व्लॉग में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चार धाम की यात्रा करवाऊंगी, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी दुनिया में लेकर चलूँगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं तो यहाँ जाके बिल्कुल भाव विभोर हो गई थी। तो बस हम लोग चार धाम पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप इन झंडों से समझ चुके हों कि हम किस धार्मिक स्थल पर पहुँच चुके हैं। तो ये है नामची का चार धाम, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा। और इस चार धाम में एंटर करते ही ऑटोमेटिकली ये शिव जी का गाना प्ले होने लगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक संकेत था कि कुछ बहुत बहुत अच्छा है। तो हम जा रहे हैं नामची के चार धाम। ये एंट्री गेट है इसका, यहाँ पे एंट्री टिकट लगता है, टिकट लिए हम सब ने और उसके बाद हमने इसमें इस अद्भुत दुनिया में कदम रखा, जहाँ पे चारों धाम जो हमारे हैं उसका रेप्लिका यानी कि उसकी नकल तैयार की गई है। सबसे बाहर आपको दिख रहा है साइलेंस जोन, यही आपको अंदर दिखेगा। तो ये बाहर भी उसका छोटा सा प्रतिरूप लगा के रखा है इन्होंने, जहाँ पर हमारे चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, इन चारों का रेप्लिका और बीच में शंकर जी की विशाल मूर्ति है जो इतनी भव्य लग रही थी ना कि ऐसा लग रहा था कि मानो शंकर जी अभी बोल पड़ेंगे। तो हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ कि वहाँ पे बहुत शोर था, तो हम लोग अपने शूज़ उतार करके, यहाँ मैंने प्रसाद ले लिया था जो कि जल मेन मंदिर में चढ़ाना था, मैंने वो प्रसाद ले लिया था और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये है मेन मंदिर, जहाँ पे आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता क्या दिखने वाला है। जब हमने प्रवेश किया उसके बाद कुछ ऐसा दिखा, सामने देख करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सामने जैसे लग रहा था कि साक्षात शिव जी हिमालय पे विराजमान हो ऐसा लगा। वो धुंध में से शिव जी थोड़े थोड़े दिख रहे थे, तो मुझे लगा कुछ तो दिख रहा है। फिर जब ये रियलाइज़ हुआ, ये अनुभव हुआ कि ये तो शिव जी की प्रतिमा है विशालकाय, मेरा तो गूज बम्प हो गया था। मतलब बिल्कुल ही लग रहा था ना कि अलग सा एक अनुभव है, एक दैवीय अनुभव है और मैं उन्हें ही देखी जा रही थी और मुझसे मेरे कहते नहीं भावनाएं कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और लग रहा था कि जैसे अभी वो प्रकट हो जाएंगे और थोड़ी देर में ये धुंध हटेगी और शिव जी साक्षात दिखेंगे। एक अलग सा वहाँ पे एक चुंबकीय आकर्षण है, एक तो मंदिर है, चारों धाम है, ऊपर से शिव जी की प्रतिमा। बचपन से मैं शिव जी की बड़ी भक्त रही थी, यहाँ आने के बाद वो एक अलग ही अनुभव मुझे हो रहा था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये नामची का जो चार धाम है इसको सिद्धेश्वर धाम भी कहते हैं। ये सोलोफोक पहाड़ी पर है जो कि गैंगटोक से सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं शिव जी की 108 फिट लंबी है और इसके चारों तरफ एक कर्दनी से 12 ज्योतिर्लिंगों का एक घेरा बनाया गया है, जहाँ पे सारे धामों के भ्रमण का पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आने से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप का तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ आने पे एक जो अलग सा अनुभव हो रहा था जिसको आप लोग कह सकते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स, मंदिर में आने पे तो अपने आप ही एक अलग सी वाइब आती है पर यहाँ पे आने पे मुझे एक अलग सा ही अनुभव हो रहा है। कई बार मेरी आँखों से आंसू से आ गए, तो ऐसा लगता है ना कि जब आप ऐसे किसी पवित्र स्थल पे जाते हो तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रंग में खो जाते हो। और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी अपने हस्बैंड और बेटी को दे दी थी कि आप लोग पीछे से रिकॉर्ड कर लेना। मैं नहीं चाहती थी कि ये पल मेरे हाथों से निकल जाए, ये क्षण मेरे हाथों से निकल जाए। तो ये जो मेन मंदिर है जो सिद्धेश्वर धाम का शिव जी का, मैं वहाँ अंदर आई हूँ। एक बड़ा सा हॉल है, सामने मंदिर है। यहाँ पर हालाँकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, मेन मंदिर में किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली थी जहाँ पे ये सिद्धेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। बाकी जगहों पे मैंने अंदर कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। आपको मैं बार बार सबके दर्शन करवाऊंगी, जितनी कोशिश रही मेरी, मैं चाहती थी कि आप सब देखें। अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध है और सिद्धेश्वर धाम के जस्ट अपोजिट शंकर जी के सामने ये बड़े से नंदी बाबा विराजमान हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रतिमा थी इनकी, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो पूरा देख सकते हैं आप, धुंध से भरा हुआ था पर बार बार धुंध गायब होके ये शंकर जी बिल्कुल सामने साक्षात प्रकट हो जा रहे थे। तो मैं बस उन्हें ही देखी जा रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि उनमें कोई एक शक्ति है जो मुझे खींचे जा रही है। मैं मुड़ मुड़ के
लग रहा था उनको अपनी आँखों में भर लूँ और देखती जाऊँ। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे चारों धाम की तरफ। मैंने यहाँ पे गंगा जल चढ़ा दिया था, जल चढ़ा दिया था, जो फूल मुझे मिला था वो चढ़ा दिया था, और नारियल मैंने और चुनरी छू करके उनको भगवान जी को छुआ करके रख ली थी ताकि वो प्रसाद के रूप में मैं अपने साथ मनकापुर ला सकूँ। तो मैंने वो नारियल रख लिया था साथ में। बाकी अगरबत्ती जलाने की मुझे कोई जगह दिखाई नहीं थी तो मैंने अगरबत्ती को भी छुआ के रख लिया अपने पास, जो कि हमें वहाँ पर मिली थी कि उसको मैं घर पे चला दूंगी तो वहाँ का एक प्रसाद हो जाएगा। सामने आप देख सकते हैं रामेश्वरम का वहाँ प्रतिलिपि आपको रेप्लिका दिख रहा होगा, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं चार धाम मैं कब जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, भविष्य का कुछ नहीं पता, क्यों ना चार धामों का पुण्य ले लिया जाए। और मेरे पति देव ने मेरा पूरा साथ दिया, जैसे मैंने उनसे बोला कि मुझे जाना है, जैसे मैंने ड्राइवर से सुना था इसके बारे में, मेरे पति देव ने बिल्कुल कहा कि हाँ चलो। यहाँ पे बहुत बड़ा घंटा था शंकर जी के जस्ट अपोजिट, तो मैंने सोचा वो घंटा मैं बजा दूँ क्योंकि सब लोग वहाँ बजा रहे थे। मंदिर में भी प्रवेश ही किया था हमने, तो अब हम लोग चल रहे हैं चारों धाम की तरफ घूमने और आपको भ्रमण करवाते हैं, दिखाते हैं कौन कौन से धाम यहाँ पे हैं। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको बद्रीनाथ दिख रहा है, तो हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रोज़ आशी को भी इस घंटे को बजाना था और हस्बैंड भी उनका साथ देने के लिए गए, हस्बैंड ने भी घंटा बजा के अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी कस के। तो अभी मैं मुख्य मंदिर से वापस लौट रही थी, सोचा कि उन्हें एक बार शिव जी को ध्यान से देख लूँ। पीछे वो रामेश्वरम धाम है, इधर ये मुख्य मंदिर है सिद्धेश्वर धाम, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है वो मंदिर है। फिर आपको एक तरफ दिखाई देगा ये जगन्नाथपुरी, एक तरफ द्वारका धाम, एक तरफ बद्रीनाथ और एक तरफ रामेश्वर धाम। यही चारों चार धाम हमारे यहाँ पे उनका रेप्लिका विराजमान है। तो अब मैं चली बद्री धाम की तरफ। तो ये मेरा पहला चार धाम का पहला पड़ाव था जहाँ पे मैं बढ़ चली हूँ। अंदर क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है तो मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। हस्बैंड से बोला था कि परमिशन लेके आप कर लेना रिकॉर्डिंग, पर मैंने देखा नहीं उन्होंने किया कि नहीं, तो ये मेरे कैमरा से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम चले जगन्नाथ धाम की तरफ। सबसे पहले मैं गई बद्रीनाथ धाम, अब मैं जा रही हूँ जगन्नाथ धाम की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैं अंदर गई, वहाँ प्रसाद लिया, हर जगह पंडित जी थे, टीका लगा रहे थे, जल दे रहे थे वहाँ का प्रसाद, और हम लोग जल ग्रहण करके उनके पैर छू करके वापस आ जा रहे थे। बहुत शांति से दर्शन हुए, कोई हड़बड़ी नहीं थी, बहुत साफ़ सुथरा था। पंडित जी हर जगह मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो एक दैवीय पूरा एक माहौल बना हुआ था। तो यहाँ मैं जगन्नाथ धाम के दर्शन करके वापस आ चुकी हूँ और अब मैं आपको लेकर चलूँगी। तब तक मुझे शिव जी फिर से दिख गए, वो इस समय बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे थे। अब मैं जा रही थी अगले धाम की तरफ रामेश्वरम धाम। उसके पहले हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स अलाउड थी, वीडियोस भी अलाउड था। तो अब मैं जा रही थी रामेश्वरम धाम और मुझे नाम सुना था, मुझे ये नहीं पता था कि अंदर किसकी प्रतिमा होती है, लेकिन जब मैं अंदर गई ना तो तब जाके मुझे पता चला कि शिव जी की प्रतिमा है, जो रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वहीं आप विराजमान होता है। तो वो था, मैंने दर्शन किया, वापस हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रांगण दिखा रही हूँ। बचा है अंतिम पड़ाव द्वारका धाम कृष्ण। तो ये वाला जो धाम था सोमनाथ मंदिर द्वारका धाम की तर्ज पे बना हुआ था, जो कि पूर्णतया गुजराती शैली में बना हुआ था, और मैं यहाँ पे दर्शन करने जा रही हूँ। बहुत लालसा है कि द्वारका भी जाऊँ कभी, तो लगता है भगवान ने यहाँ पे मुझे भेजा कि हाँ, जब तक मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ तब तक मैं यहाँ पे दर्शन कर लूँ। तो यहाँ पे मैं द्वारका धाम आई, यहाँ दर्शन किए, दर्शन करके मैं बाहर आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्थान है बगल में ही, जहाँ पे लोग मन्नत का साईं मंदिर के पास ही मन्नत के धागे बांधते हैं, और वहाँ पे देखा मैंने लाल रंग के धागे बने हुए हैं और वहाँ पे लोगों ने मन्नतें मांगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ की फर्श काफ़ी फिसलन भरी थी और जगह जगह लिखा भी हुआ था, क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है, फर्श बिल्कुल चिकनी है, तो वहाँ पे दरियाँ डाल रखी गई हैं ताकि कोई फिसले ना। तो रोज़ थोड़ा इधर उधर चल रही थी, वही मैं बच्चों को बोल रही थी कि उस पर ही चले। ये रही वो जगह जहाँ पे कितने सारे लोगों की मन्नतों से ये जाली भरी हुई थी, लोगों ने मन्नत के धागे, मन्नत की चुनरी बांध रखी थी।
तो मैंने कोई धागा नहीं बाना, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है और हमेशा देते ही रहेंगे, तो मैंने कोई धागा नहीं बांधा। बस हाँ, उसकी परिक्रमा कर ली मैंने एक, और बस अब अंतिम मंदिर की तरफ मैं बढ़ चली थी, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे मंदिर से बाहर। तो बाहर आके हमने अपने चप्पल जूते लिए, अब जा रहे हैं जगन्नाथ धाम से, बस अपना घर बैठ के बैक टू सिलीगुड़ी, क्योंकि रात की ट्रेन है और टाइम भी अब ज़्यादा हो रहा है, और सिलीगुड़ी पहुँचने में हमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तो ये था नेमची का चार धाम, बहुत नाम सुना था और अचानक ही प्लान बन गया कि यहाँ कहते नहीं लिखा होता है दर्शन, तो दर्शन लिखे थे, बहुत अच्छा लगा, बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारी दार्जिलिंग और गैंगटॉक की जो पूरी ये जर्नी थी ना, पूरी सफल हो गई। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी इस चारधाम की यात्रा के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए फॉलो कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत प्यार दीजिएगा अपना।